السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाह हम इस अशरे की दूसरी पाक रात में दाखिल हो चुके हैं और ये बहुत अहम रात है इस हवाले से कि ये पाक रात भी है और जुमा की रात भी है और हमारे दीन इस्लाम में रात पहले होती है यानी जैसे कल 23वीं का दिन है तो आज ये 23वीं की रात है और इब्ने रजब ने इब्ने हबीरा से ये कौल नकल किया है कि जब जुमे की रात और ताक रात यानी ऑड नाइट और फ्राइडे नाइट एक साथ मिल जाए तो बहुत ज्यादा चांस है कि यही लैलतुल कदर है। देखिए कोई यकीनी तौर पे तो किसी बात को भी नहीं कह सकता मगर हां उलमा ने इस बारे में बहुत सारे उलमा ने इसकी यही राय दी है कि जब भी ये कॉम्बिनेशन आएगा तो ज्यादा चांस यही होगा कि ये लैलतुल कदर हो। तो लिहाजा आप लोग तैयार हैं, कमर कस ली है, फ्रेश है, पानी वानी पी लिया आपने, साफ सुथरे होके बैठे हैं, ना कपड़ों में से कोई ऐसी स्मेल प्याज की और लहसुन की और फ्राइंग की आनी चाहिए, ना मुंह से कोई बदबू होनी चाहिए और ना ही थके मांदे ऐसे पड़े हों के कोई हिम्मत ही नहीं, चुस्त होके चाको चौबंद होके बैठना। अच्छा इमाम इब्ने तैमिया भी लिखते हैं कि जब जुमे की रात आखिरी अशरा रमजान की ताक रात से आ मिले तो ये रात भी इज़्निल्लाह ज्यादा लायक है कि इसे लैलतुल कदर का दर्जा मिले। अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह ताला ने हमें यहां तक पहुंचाया ये इसके ऊपर हम पहले तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला हमसे इसकी इबादत भी कबूल फरमा ले। और मैं समझती हूँ कि जब हम इस तरह से मिलके बैठते हैं तो एक दूसरे को देख के हौसला होता है कि और भी लोग बैठे हुए हैं, हम भी जागे हुए हैं तो दूसरे भी तो जागे हैं ना, तो कोई हम अकेले तो नहीं है, तो लिहाजा एक मोटिवेशन मिलती है। तो इसलिए बिल्कुल अलर्ट होके बैठना क्योंकि जिसको ये रात मिल गई समझ लें कि उसकी पिछली पूरी जिंदगी के गुनाह माफ हो गए। और इसकी दुआ हम बार 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 पढ़ते जाएं, अल्लाहुम्मा इन्ना काफुवन तुहिब्बुल आफवा फाफवन्नी, अल्लाहुम्मा इन्ना काफुवन तुहिब्बुल आफवा फाफवन्नी, ये पढ़ते ही जाएं। यानी आप किसी वक्त खामोश ना बैठे, जितनी देर आप मेरी बात सुन रहे हैं उतनी देर भी आप अपनी जुबान से यही अदा करते जाइए ताकि कोई लम्हा भी ऐसा ना हो कि जिसके अंदर हम किसी भी नेकी की चांस को मिस कर दें। अच्छा आज देखते हैं कि ये जो मेहमान आते हैं, जो फरिश्ते उतरते हैं, तो ये कहां से आते हैं, जमीन पे आके क्या करती हैं और जमीन से जब जाती हैं तो क्या करते हैं। आपको जैसे कि पता है सूरतुल कदर से कि कितने फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ रूहे अमीन के साथ जमीन पर उतर आते हैं। ये वो रात भी है जिसमें कि अल्लाह ताला तकदीर के फैसले फरिश्तों के हवाले कर देता है, यानी इस रात में ही अल्लाह ताला फरिश्तों को ड्यूटीज मुतय्यन कर देता है। साल भर जो पूरा अगले लैलतुल कदर तक जितनी काम होने हैं जरूरी जरूरी काम उनकी लिस्ट फरिश्तों के हवाले कर दी जाती है। तो हम बहुत ज्यादा ये दुआ करें कि अल्लाह आने वाला साल हमारे लिए खैर का, बरकतों वाला, सबकी सेहत सलामती वाला, आफियत वाला हमें देना, क्योंकि बाज दफा ऐसे होता है कि इंसान इस रात में गफलत में होता है, खेल कूद में लगा होता है और आसमान पे
उसके लिए मौत का हुक्म सादर हो चुका होता है और उसको पता ही नहीं होता। तो लिहाजा इस रात में ही लोहे महफूज से चीजों को आगे ट्रांसफर किया जाता है, किसी को कितना रिस्क मिलना है, किसने मरना है, किसने पैदा होना है, कितनी बारिश होनी है, किसने हज पे जाना है और किसकी शादी होनी है, ये सब चीजें लिख दी जाती, यानी हवाले कर दी जाती। और देखिए इंसान को नहीं पता कि उसके लिए क्या फैसले दिए जा रहे हैं, क्या उसकी मौत का फैसला दिया जा रहा है, किसी बीमारी का दिया जा रहा है, आफियत का दिया जा रहा है, रिस्क का दिया जा रहा है। और इवन यहां तक भी है कि जो महंगाई है, चीजों के प्राइसेस बढ़ जाना, वो भी बता दिया जाता है फरिश्तों को। और किस बच्चे ने दुनिया में आना है, अभी तो उसके शायद वालदैन को भी ना पता हो, लेकिन वो भी बता दिया जाता है कि फलां बच्चा पैदा होगा। तो लिहाजा बहुत इसका मतलब दुआएं करने की जरूरत है ना, कि हम बहुत ज्यादा इस चीज को अहम समझे, बहुत ज्यादा इस चीज को अल्लाह ताला के से मांगे कि हमें खैर ही खैर पहुंचे इस सारे साल में। तो अब ये फरिश्ते जो हैं, ये कहां से आते हैं, क्या करते हैं यहां पे आके, जाहिर है इन्हीं में से कोई रात है जिसके अंदर वो उतरते हैं। तो हमें हदीस से पता चलता है कि जो सिदरतुल मुंतहा है ना, आप लोगों सबको पता हुआ सातवें आसमान पे है, जन्नत से अटैच्ड है, और इतनी वो इतना बुलंद है, उसकी बुलंदी इतनी है कि जन्नत में उसकी शाखें और डालियां और कहां अल्लाह ताला की कुर्सी तले उसकी शाखें और डालियां जा रही हैं, जन्नत तक उसकी बुलंदी जाती है। और उस पे इतने फरिश्ते होते हैं, इतने फरिश्ते जिनकी गिनती कोई भी नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। तो हर शाख पे बेशुमार फरिश्ते, एक बाल बराबर भी जगह ऐसी नहीं है जो फरिश्तों से खाली हो, इतने फरिश्ते हैं। और यानी फुल है वो, और उसके सेंटर में जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मकाम है। तो जब ये लैलतुल कदर आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आवाज दी जाती है कि ऐ जिब्राइल, लैलतुल कदर में इस दरख्त के जितने भी फरिश्ते हैं सबको लेके जमीन पे जाओ। तो ये सारे के सारे फरिश्ते जो है ना, ये रहमत के फरिश्ते हैं, इनमें से कोई भी अजाब वाला फरिश्ता नहीं है, सब रहमत वाले, मोहब्बत करने वाले, उनके दिलों के अंदर मोमिनों के लिए इतना रहम है। और सूरज जो ही गुरूब होता है, जैसे अगर अल्लाह आलम, अल्लाह ताला को बेहतर पता है, अगर ये लैलतुल कदर है तो सूरज गुरूब होते ही वो सारे फरिश्ते जमीन पे उतर आए जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ। अब पता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी अब तो खत्म हो चुकी है, जब से वही का सिलसिला बंद हो गया, पहले तो वो वही लेकर आया करते थे, अब वो उनकी वही की ड्यूटी नहीं है, अब वो जमीन पर सिर्फ ये लैलतुल कदर में ही आते हैं। और ये सारे फरिश्ते भी सिर्फ लैलतुल कदर में उतरते हैं, वैसे उनका ही जमीन पे कोई ऐसे काम नहीं है। तो ये जब जमीन पे आते हैं ना तो सारी जमीन पे फैल जाते हैं, उनकी तादाद इतनी होती है, इतनी होती है कि जितने जमीन पे कंकर है, जितने जमीन पे पत्थर है ना, हम सोचेंगे कितने होंगे, ये तो किसी को भी नहीं पता। तो इतने फरिश्ते उतरते हैं, यानी कि कसरत को बताने के लिए ये बताया गया कि इतने ज्यादा बेशुमार फरिश्ते सारी जमीन पे फैल जाते हैं, हर हर जगह पर सजदे में क़याम में मशगूल हो जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए दुआएं मांगते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें भी उन मोमिनों में शामिल फरमाए जिनके लिए फरिश्ते दुआएं करें। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद जो मोमिन होते हैं उनसे मुसाफहा करते हैं,
और इसका एक साइन भी है कि इंसान के जिस्म के रुएं खड़े हो जाते हैं, दिल नरम पड़ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस वक्त इंसान को समझ लेना चाहिए कि इस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ में मेरा हाथ है। फिर ये फजर तक फरिश्ते इसी तरह जमीन पर फैले रहते हैं, और जब फजर होती ना कि फजर तक ये रात सलामती सलामती है, सलामती सलामती, इसमें बहुत पीस है। जब फजर होती है तो सबसे पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऊपर जाते हैं और बहुत ऊंचे चढ़ के फिर वो अपने परों को फैला लेते हैं। वो पता है उनके पर कितने ह्यूज है, और स्पेशली वो दो उनके पर ऐसे हैं जिनको वो इस रात के सिवाय कभी भी नहीं फैलाते, खोलते नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा था ना, 600 पर थे उनके। नबी अलैहिस्सलाम ने जब पहली दफा देखा था तो बेहोश हो गए थे उनको देख के, पूरा आसमान उनके परों से ढका हुआ था, इतने वो बड़े फरिश्ते हैं, ह्यूज। और इसी वजह से सूरज की जो तेजी है वो इस रात की सुबह में नहीं होती, जो इस रात के बाद सुबह होती है ना उसमें जो सूरज होता है वो तेज नहीं होता, वो शार्प उसकी रेज नहीं होती। और जब वो इस तरह ऊपर जाते हैं तो फिर वो दूसरे फरिश्तों को पुकारते हैं और वो सब के साथ फिर ऊपर चढ़ते हैं। तो फरिश्तों का नूर और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के परों का नूर, ये सब मिलते हैं, तो जिसकी वजह से सूरज की रोशनी मांद पड़ जाती है और सूरज जैसे एक थाली की तरह से हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम और ये सारे के सारे बेशुमार फरिश्ते उस दिन आसमान और जमीन के दरमियान ये मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए रहमत की दुआएं मांगते रहते हैं, उनके लिए बख्शिश मांगते रहते हैं, नेक नियति के साथ रोजे रखने वालों के लिए दुआएं मांगते रहते हैं, और उन लोगों के लिए भी मांगते हैं जिन्होंने ये इरादा किया था कि अगले साल भी अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो रमजान के रोजे हम रखेंगे। सुभान अल्लाह। तो ये वो उस दिन जो दिन चढ़ता है ना वो आसमान और जमीन के दरमियान रहते हैं और इन लोगों के लिए दुआएं करते हैं। अल्लाहु अकबर। और शाम को फिर जब शाम होने लगती है, नेक्स्ट डे की जब शाम होने लगती है, तो फिर वो दुनिया के आसमान पे चढ़ जाते हैं। वो वहां के जो सारे फरिश्ते हैं वो हल्के बांध बांध के इनके पास जमा हो जाते हैं, मतलब इनको घेर लेते हैं जो ये गेस्ट आए हैं ना जमीन से सफर करके, एक दिन और एक रात यहाँ पे स्पेंड करके गए हैं, तो वो इनको घेर लेते हैं और पूछते हैं इनसे, किसके बारे में पूछते हैं, एक एक मर्द एक एक औरत के बारे में पूछते हैं जो मोमिन थे, और ये जवाब देते हैं फलां ऐसा इस हाल में था, इस हालत में था, ये था। वो फिर पूछते हैं कि अच्छा फलां शख्स जो था उसको तुमने इस साल किस हालत में पाया, क्योंकि देखिये वो लास्ट ईयर आए थे ना, तो अब वो नेक्स्ट ईयर लैलतुल कदर में आते हैं, बीच में नहीं वो आ रहे। तो फिर ये बताते हैं कि नहीं पिछले साल हमने उसको बड़ा इबादत में पाया था लेकिन इस साल तो वो किसी और कामों में, मतलब दूसरे कामों में लग गया है। इंसान की क्योंकि हालत एक जैसी तो रहती नहीं है, एक साल वो बड़ा नेक होता है, अगले साल उसको क्या हो जाता है कि वो बस दुनिया के झमेलों में लग जाता है, छोड़ देता है सारी बातें, या गुमराह हो जाता है, बाज दफा हिदायत का रास्ता ही खो देता है। कभी भी नहीं ये सोचना चाहिए कि हम बस आज हम जिस ईमान के लेवल पे हैं पता नहीं सारी जिंदगी इसी तरह रहना, इसके लिए तो बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। और फिर वो कहते हैं कि जो फलां आदमी है ना पिछले साल तो वो बड़ी बिद्दतों में था, गुमराहियों में था, लेकिन इस साल वो हमने उसको इबादत करते हुए पाया। यानी वो बताते हैं कि कैसे लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन हुई। तो वो लोग भी जो कि जिनको आप देखते हैं कि गुमराह है, आज कोई पता नहीं है अगले साल तक कैसे वो हिदायत के रास्ते पे आ जाए। हमें अपना भी सोचना चाहिए पिछले साल में कैसी थी और इस साल कैसी हूं, बेहतरी आई है या पिछली से भी गए हम, ये देखना चाहिए। हमारा सफर आगे को जा रहा है
या हमने रिवर्स गियर लगा लिया, पीछे चल रहे हैं। तो वो जो फरिश्ते हैं ना, जो पहले आसमान के, जब वो ये सुनते हैं कि फला आदमी है ना हिदायत की तरफ आ गया, तो वो भी उसकी बख्शिश की दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं। और जो पिछला बंदा था, जो पहले इबादत करता था, अब नहीं कर रहा, तो उसके लिए दुआएं मांगनी बंद कर देते हैं। इसका मतलब इंसान के लिए देखिए, सुभान अल्लाह, आसमानों में भी दुआएं होती हैं जो मोमिन होता है। और फिर वो बताते हैं, जैसे हम नहीं कभी सफर से जाते कहीं, तो फिर अब तो खैर फोन है, लेकिन जब नहीं होते थे तो फिर वो पूछते हैं, अच्छा जी फलां कैसा है, फलां कैसा है, बच्चे कैसे हैं, फलाने कैसे। आज भी पूछा जाता है, जब आप सफर से कहीं किसी दूसरे मुल्क पहुंचते हैं तो घर वालों के बारे में पूछते हैं, के बारे में। इसी तरह वो फरिश्ते पूछते हैं कि आपने फलां को कैसा पाया, फलां को। और फिर वो बताते हैं कि फलां को हमने बड़ा अल्लाह का जिक्र करते हुए पाया, फलां तो रुकू कर रहा था, फलां सज्दे कर रहा था, वो फलां जो था वो कुरान की तिलावत कर रहा था। सुभान अल्लाह। फिर ये एक दिन रात इस आसमान पे गुजारते हैं, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं, वहां पे भी सारे उनसे यही पूछते हैं। वो एक दिन रात वहां रहते हैं, फिर उनको सारी बातें बताते हैं, फिर वो भी इसी तरह दुआएं करते हैं, किसी के लिए दुआ करना छोड़ देते हैं, किसी के लिए शुरू कर देते हैं। इस तरह करते करते वो सिदरतुल मुंतहा पे अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, सिदरतुल मुंतहा उनसे पूछता है कि मेरे बसने वालों, मेरा भी तो तुम पे हक है, मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जरा मुझे भी तो उन लोगों की खबर दो, उनके नाम बताओ जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले। तो फरिश्ते उसके सामने गिनती कर करके एक एक मर्द औरत का उसके बाप के नाम समेत बताते हैं उसका नाम। अल्लाह हमें भी उन खुशकिस्मतों में करना है जिनका नाम सिदरतुल मुंतहा पूछे और फरिश्ते बताएं। कितनी बड़ी खुशबख्ती है, किसी का नाम अखबार में ही आ जाए तो वो इतने खुश होते हैं कि हमारा नाम छप गया, और कहां किसी का नाम आसमानों में लिया जा रहा, वो भी सिदरतुल मुंतहा जो जन्नत के साथ है। और फिर जन्नत भी बोलती है, वो भी पूछती है ऐ सिदरतुल मुंतहा की तरफ मुतवज्जो को, उसको पूछती है कि तेरे में रहने वाले फरिश्तों ने जो खबरें तुझे दी हैं मुझे भी बता। तो फिर सिदरा उसको बताता है। तो ये सुन के वो कहती है, अल्लाह की रहमत हो फलां बंदे पे, फलां बंदी पे, अल्लाह ताला इन्हें जल्दी मुझसे मिला देना। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें भी उनमें शामिल फरमा दे, जिसके जिनके लिए जन्नत दुआएं करती हो, जिनकी चाहत जन्नत रखती हो। इंसान तो दुनिया में जन्नत का सवाल करते हैं और उसकी चाहत रखते हैं, सोचें कोई ऐसे खुशकिस्मत भी हैं जिनको जन्नत मांगती है, जन्नत कहती है अल्लाह मेरे अंदर दाखिल कर दे जल्दी उनको। अल्लाह अकबर। और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम सबसे पहले अपनी जगह पहुंच जाते हैं, उनको इल्हाम होता है और वो अर्ज करते हैं, परवरदिगार मैंने तेरे फलां फलां बंदों को सजदे में पाया, तू उनकी बख्शिश कर दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने उनको बख्श दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्श के उठाने वाले फरिश्तों को सुनाते हैं, फिर वो सब कहते हैं फलां फलां मर्द और औरत पर अल्लाह ताला की रहमत हो और मग़फ़िरत हो। अल्लाह अकबर। और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह फलां बंदे को पिछले साल तो बहुत इबादत गुजार छोड़ा था, लेकिन इस साल तो सब कुछ छोड़ बैठा और तेरे हुक्मों की नाफरमानी कर रहा है। और अल्लाह ताला देखें, सुभान अल्लाह, मेरा रब कितना करीम है। अल्लाह ताला फरमाता है जिब्राइल अगर ये मरने से भी 3 साल पहले भी तौबा कर लेगा मैं इसको बख्श दूंगा। सुभान अल्लाह। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम बेसाख्ता कह उठते हैं अल्लाह तेरे लिए सारी तारीफ, तो अपनी मखलूक पर सबसे ज्यादा मेहरबान है, बंदों पे तेरी मेहरबानी खुद इनकी अपनी जात पे मेहरबानी से भी ज्यादा बढ़ के, बेशक मेरे रब बेशक हम तो अपनी जात के लिए भी वैसे हमदर्द नहीं, खैर ख्वाह नहीं जितना अल्लाह ताला हमारे लिए खैर ख्वाह हमदर्द। अल्लाह अकबर। तो ये है स्टोरी फरिश्तों की, वो क्या करते हैं यहाँ पे जमीन पे, किस तरह ऊपर जाते हैं, कैसे वो बातें बयान करते हैं। तो अल्लाह करे हम उनमें हों जिनका वो ये नाम ले कि ये पहले से भी ज्यादा बेहतर हुआ,
इसका मतलब है कि हम सब को कोई स्टेप उठाना चाहिए बेहतरी की तरफ। देखिए ये स्टेगनेंट रहना, अगर आप समझते हैं ना कि जैसे मैं पहले पिछले साल थी वैसे ही अब भी हूं, और जैसे उससे पिछले साल थी वैसे ही अब भी हूं, ऐसा नहीं है। ये बड़ी गलत फहमी होती है बंदे को। बंदा जो है या तो आगे बढ़ रहा होता है या पीछे जा रहा होता है, उस जगह पर नहीं होता कि एक ही जगह पर खड़ा रहे। ईमान ऐसे नहीं होता, घटता बढ़ता रहता है, कभी भी फिक्स नहीं हो जाएगा। तो इसको बढ़ाने की भी कोशिश करनी, वरना घट जाएगा। तो इसके लिए इरादे करें, नियतें करें, नेकी के कामों की नियतें करें कि मैंने आगे बढ़ना है, मैंने अपनी नेकी में इजाफा करना है, कि फरिश्ते जाके मेरा नाम भी उनमें ले कि अल्लाह ये वो बंदी थी पिछले साल तो इतनी नहीं इबादत कर जाती, इस दफा तो उससे भी ज्यादा बढ़ गई है। अल्लाह ताला इनमें हमें शामिल फरमा दे, इनमें हमें शामिल कर ले जिन्होंने फरिश्तों की दुआएं पाली और जिनकी जन्नत तमन्ना करती है। और आपका रब कितना करीम है, कितना करीम है, वो ये नहीं कहता कि फरिश्तों जैसे वो आदमी को तो छोड़ो जो पिछले साल इबादत गुजारता और इस साल गुमराही में पड़ गया, छोड़ो उसको, वो तो ऐसा है और उसके लिए सजा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर मरने से पहले पहले भी उसने तौबा कर ली मैं उसको बख्श दूंगा। क्यों ना तारीफ करें फिर ऐसे रब की, क्यों ना कुर्बान जाए ऐसे रब पे, क्यों ना उसकी हम्द बयान करें जो रब इतना मेहरबान है, अपने नाफरमानों पे भी इतना मेहरबान है कि उसने अपने दरवाजे नहीं बंद किए, वो फिर भी इंतजार में कि कब बंदा तौबा कर लेता है। और तौबा हमारी जरूरत है, अल्लाह ताला की जरूरत नहीं है, मेरी और आपकी जरूरत है। हम कहें कि अल्लाह हमें माफ कर दे, क्योंकि नहीं हमें माफी मिलती, हमारे पर अगर ये गुनाह चिमटे रहते हैं तो सजा किसको भुगतनी पड़ेगी, हमें खुद भुगतनी पड़ेगी, किसी और का नुकसान नहीं है, अपना हमारा नुकसान है। अल्लाह ताला की खुदाई में उसकी बादशाहत में जरा बराबर भी फर्क नहीं आएगा। तो इसलिए ये हमारी जरूरत है, तड़प हमें होनी चाहिए, तलब हमें होनी चाहिए, लगन हमें होनी चाहिए। और सोचे जिन्होंने अपने गुनाहों से जहन्नम की आग जलाई हुई, वो सो कैसे सकते हैं पता है? हाँ ठीक है, पूरा साल सोते रहते, जिसको पता चल जाए मेरी बख्शिश हो सकती है, मेरे गुनाहों की वजह से तो पता नहीं मेरे कितनी वहां पे सजाएं अपने लिए जमा कर ली हैं, वो सोएगा कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने जन्नत के चाहने वाले को सोते नहीं देखा और मैंने जहन्नम से दूर भागने वाले को सोते नहीं देखा। जिसको ये फिक्र है ना कि मैंने जहन्नम से बचना है एट एनी कॉस्ट, वो सो कैसे सकता है? और जिसको ये फिक्र है कि मैंने जन्नत में जाना है हर कीमत पे, उसके लिए जागना तो कोई मुश्किल ही नहीं। क्या बड़ी बात है। अल्लाह ताला दांत में एक दर्द कर देना तो इंसान सारी रात तड़प तड़प के गुजार देता है, जाग के गुजारता है ना। ये तो सिर्फ एक दांत का दर्द, जहन्नुम का अजाब इससे बहुत ज्यादा। और इन रातों में अल्लाह ताला फ्री कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं अपने बंदे को, बहुत सारे बंदों को अल्लाह ताला फ्री कर रहा है जहन्नुम की आग से, जहन्नुम से निजात की उनको परवाने दे रहा है। फलां भी जहन्नुम से निजात पा गया, फलां भी पा गया, फलां भी पा गया, फ्री है आप। अब दोबारा नहीं पकड़ेगा, अब दोबारा उसको लेकर जहन्नुम में नहीं डालेगा जिसको अल्लाह ताला एक दफा फ्री करते। इंसानों में भी किसी कोई कहीं गुलाम होता है ना, उसको उसका आका एक दफा फ्री कर दे तो उसको दोबारा थोड़ी पकड़ के गुलाम बनाता है। अल्लाह ताला की मिसाल तो बहुत आला है। तो एक दफा उसने कह दिया ना ये जहन्नुम से आजाद है, तो बस आजादी मिल गई तो अब और फिर तो कामयाबी कामयाबी। तो इसलिए वो तड़प हमारे अंदर होनी चाहिए कि बस अल्लाह ताला हमें जहन्नुम से निजात दे देना। اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि मेरे मुंह से अफवानी निकलता ही नहीं, अफवानी ही निकलता है। क्यों? अफवानी का मतलब है अल्लाह ताला मुझे माफ कर देना, मेरे से पता नहीं क्यों निकलता नहीं। अल्लाह हमें माफ कर देना, हम सबको माफ कर देना, कोई भी ना रह जाए।